काफी लोग कह रहे थे कि भाई हमारा जो है हमें 3 स्टेप दिए गए थे, 4 स्टेप दिए गए थे वेरीफाई करने के लिए 4 टाइम्स, तो हम लोग नहीं कर पाए। टेंशन ही लो अगर आप लोग नहीं कर पाए हो तो। गाइस कैसे आप सब, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आइस नेटवर्क को। जी गाइस, आइस कॉइन के ऐसा कॉइन जो कि पाई नेटवर्क को बीट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके यूजर्स की बात करते हैं तो 1.2 मिलियन जो है वो इसका यूजर हो चुका है। तो अगर हम बात करें केवाईसी की, तो पाई की इतनी जल्दी केवाईसी नहीं हुई। हम सब जानते हैं कि 2-3 साल के बाद जाके पाई की केवाईसी हुई है। तो अगर हम आइस की बात करते हैं तो 2023 में ये कॉइन आया है और 2023 के लास्ट में इसने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप दोनों केवाईसी इसने कंप्लीट कर डाली है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं की अपने कॉइन्स की, तो दोनों वीडियोज आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे कि आपने कैसे KYC 1 करनी है और आपने कैसे KYC 2 करके अपना अकाउंट को वेरीफाइड करना है। तो मेन टॉपिक में बात करता हूँ कि ऐसा कॉइन जो कि अगर आप लोगों के पास वॉलेट में है तो आप सोच भी नहीं सकते कि 2024 में जैसे ही बुलरन क्रिप्टो मार्केट में आना है तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम प्राइस को लेके बात करें तो अगर इसकी डिमांड की देखी जाए, 1.2 मिलियन इसके यूजर्स हैं। ठीक है, और सोचें कि 12 लाख लोगों ने इस कॉइन को माइन किया हुआ है। ठीक है, मेरे पास खुद 2 लाख कॉइन ऑलमोस्ट, और अगर हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं तो काफी लोगों के पास 2-3 करोड़ भी कॉइन पड़ा हुआ है। ठीक है, उनके पास कैसे कॉइन है भाई, उन्होंने स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को लिया, आपको बताया, मुझे बताया, हम लोग ज्वाइन हुए, हमने फिर छोड़ दिया, बट उन्होंने इन कॉइन्स को नहीं छोड़ा, उनके पास कॉइन्स है। अब जैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट में इस कॉइन की डिमांड आती है, जैसे ही इन्होंने कहा है कि अभी भी जिन जिन जिनके अकाउंट इन्होंने स्टेप 2 KYC वेरीफाइड कर लिया है, इन्होंने कहा है कि ये 10% कॉइन को कभी भी किसी भी टाइम अनलॉक कर देंगे पर मंथ के हिसाब से। यानी अगर आपके पास 1 लाख कॉइन है, आपने KYC 2 दोनों कंप्लीट कर लिया है, 1 और 2, और फिर आपको ये पर मंथ के हिसाब से 10,000 कॉइन अनलॉक करेंगे, और अगर मार्केट में इस कॉइन की डिमांड रही तो ये कॉइन 5 रुपये से 50 रुपये के बीच में भी सेल आउट हो सकता है, अगर कॉइन की डिमांड मार्केट में डिमांड रहती है तो। क्योंकि जैसे ही KYC 2 होनी है, जैसे ही, क्योंकि लोग सब चीजों को समझते हैं स्कैम, जैसे ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन देनी है इथेरियम में, तो इनका बाद में हो सकता है कि आइस का अपना ब्लॉकचेन भी आ जाए, आइस नेटवर्क का ब्लॉकचेन आ जाए, तो प्राइस और भी ज्यादा जा सकती है। तो जिन्होंने बाइंग एंड सेलिंग, तो हम लोग क्यों ये चीज सोचते हैं कि भाई वो अमीर हो गया, वो अमीर हो गया, क्यों, कैसे होगा वो अमीर भाई, जब उन्होंने कॉइन को माइन किया, जब उन्होंने हम सबको बताया तो वो काम करते रहे, हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया। जब मार्केट में उस कॉइन की डिमांड आती है तो कॉइन्स किसके पास होगा, उनके पास ही ज्यादा होगा ना, तो वही लोग बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। आपको आपको 5 रुपए के हिसाब से भी, अगर वो 2 करोड़ वाला बंदा 5 रुपए के हिसाब से भी आपको 2 करोड़ कॉइन सेल करे, तो उसको मार्केट में उसके कितने बन, 10 करोड़ बन गया उसका, तो वो तो अमीर हो गया। बट वो ऐसा नहीं करते, वो आपको लाइक 10,000, 15,000, 20,000 कॉइन सेल करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी सी प्राइस नीचे जाएगी, वो फिर बाय कर लेंगे आपसे, फिर परचेज कर देंगे, तो ये सिस्टम सारा चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम आइस नेटवर्क की बात करते हैं तो अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बस आप लोगों ने क्या करना है, आपको रेफर लिंक मेरा यूट्यूब चैनल के बीच में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और आपने माइनिंग करनी है। और एक और चीज जो काफी लोग कह रहे थे कि भाई हमारा जो है हमें 3 स्टेप दिए गए थे, 4 स्टेप दिए गए थे वेरीफाई करने के लिए 4 टाइम्स, तो हम लोग नहीं कर पाए। टेंशन ही लो अगर आप लोग नहीं कर पाए हो, तो आपको 28 दिन के अंदर अंदर वो फिर से ये ऑप्शन देंगे कि आप अपने कॉइन को वेरीफाई कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते नहीं हो, अगर आपने वॉच किया होता वीडियो को तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आपने KYC 2 करनी है, कैसे आपने लिंक लेना है, कैसे आपने पोस्ट करना है, बट आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करो तब आपको समझ आए ना, आप लोग देखते नहीं हो, पता नहीं क्या करते हो। तो ये ऑप्शंस हैं, ये जो है अपॉर्चुनिटी होती है हम सब के लिए कि अगर हम कॉइन हमें दिया हुआ है तो हम उससे फायदा उठा लें, नहीं तो कोई और दूसरा फायदा उठा लेगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो आइस को लेके, और मेन चीज ये थी कि सब कह रहे हैं कि इस कॉइन हम लोगों ने स्टेकिंग पे लगा दिया है 5-5 साल के लिए, 4-4 साल के लिए, तो आप टेंशन नहीं लो, जिन जिन की KYC 2 हो चुकी है उनको ऑप्शन ये दे देंगे कि आपने जो है आप कितने सालों के लिए मजीद लगाना है, तो वो आपके ऊपर होगा कि आप कितने सालों के लिए कॉइन को स्टेक पे लगा सकती हैं। अब मैं अगर एक्सपेक्ट करता हूँ तो मैं तो 1 साल के लिए कॉइन को स्टेक लगाऊंगा, लाइक 10 अक्टूबर तक, 2024 तक, तो मैं तो स्टेकिंग पे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉइन्स को कलेक्ट करना है ताकि जब मार्केट में प्राइस आती है तो मेरे पास ऑलमोस्ट, और नहीं तो 4 से 5 लाख कॉइन मेरे पास अवेलेबल हो, ताकि फिर हम लोग मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा 5, 10, 25 रुपये, तो हम उसमें सेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन में भी क्लिक करना, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
ठीक है। दोनों वीडियोज आपको स्टेप वन स्टेप टू की, आपको केवाईसी की, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।